शाहिद एक बात बताइए जी जी लड़कियां आप पे इतना मरती हैं जी मैं उन्हीं की एक की खोपड़ी लेकर आया हूँ अच्छा का क्या रोल है बीच में इसको आप लोग सही कहते लड़कियों की खोपड़ी खाली होती खाली नहीं पता हरामी हो बेटा पोस्टर में इसे देख के आप क्या बातें कर रहे हैं जी मैं इसे देखकर प्यार की और यू नो रोमांटिक टाइप की वैसी बातें करता हूँ मैं हाँ? और जिंदगी में ना लोग सुनने वाले कम मिलते हैं बोलने वाले ज्यादा मिल जाते हैं तो ये सुनती है मेरी बात तो आपने ध्यान नहीं दिया इसके तो कहानी नहीं है आप तो इतनी किलर लग रही है ना आपसे ध्यान ही नहीं हटता पता मैं छठी बार देखा ना जब ट्रेलर तब मुझे पता चला अनिल सर भी है फिल्म में नहीं मेरे को एक्चुअली किसी और ने बताया था कहते दिशा को जो ना हाइट से डर लगता है पर नीचे से प्रोड्यूसर ने चेक दिखाया तो कूद गई है ओए होए मगर सुनो क्या हाल है आपके वही जो तेरी बहन का है रुको जरा सबर करो वही हाल है जो मेरी बहन का मतलब आपका पेट खराब है आप भी डॉक्टर ही होंगे बनने वाले हैं अच्छा अभी तो आपकी शादी नहीं हुई ना मैं आपसे पूछता हूँ मैंने कब कहा मेरा जी आप ही कहा देखा आपने लापरवाही का नतीजा नाना सर बिल्कुल रोमांटिक हीरो होते अच्छा अगर वो गाना नाना सर पे फिल्माया जाता कौन सा एक मर्डर फिल्म का गाना था ना बीके होट तेरे एक और अजूबा होता कि गाते भी नाना सर तो कितना मजा आता ना ए बीगे होट तेरे ए प्यासा तन मेरा चल मेरे साथ सारी रात गुजार अच्छा तो कभी बुलाओ हमें गाने ये गाते हैं हैं अपनी फिल्मों के भोजपुरी फिल्मों के इतने बड़े स्टार हैं अभी पार्लियामेंट में भी हैं आज 2 घंटे की छुट्टी थी इधर आके बैठ गए ये आजकल कोई भी एक काम नहीं करता है अब जैसे ये मैडम है साथ साथ में अदालत की कार्रवाई चल रही है नीचे अपने बॉयफ्रेंड को मैसेज कर रही है सिंघानिया ओबराय बुलाने के लिए सिंघानिया वाले काम तो क्या करो एक ही थाली में खाना खाने वाले अच्छा हम लोग एक थाली में खाते हैं इनके फादर साहब का मैं बताता हूँ आपको अभी मजा आएगा ना भिड़ो एक थाली में हम लोग खाते हैं ना फिर भी इनके पास एक थाली भी नहीं होती लंगर में गया जाकर कहता मेरे पास थाली नहीं गरम गरम दाल मेरे मुंह में डाल दो वो कहता हाथ में ले ले कहता हाथ में पहले से हलवा पकड़ा हुआ है आप जानती भी है मेरे ताऊ जी को पता कितने बड़े बिल्डर है वो क्या प्रॉब्लम है आपकी बिल्डर नहीं होता बेटा जो काला चश्मा लगा के वेल्डिंग करते वेल्डर होता है कई लोगों ने ना मेरे ट्विटर पे इसके बारे में लिखा है बैडमैन जो है कहता है दांत तोड़ देना कपिल शर्मा के सोनू कहता है कपिल शर्मा बहुत ही बकचोद आदमी है पर आपके शो की बात करता हूँ मैंने जहाँ तक देखा है अगर कोई खूबसूरत लड़की आपसे कोई सवाल पूछती है तो आप बहुत ही हंस हंस के और लहराते लहराते जवाब देते हो पर अगर कोई लड़का हाथ में आ गया तो खींच ही डाली पूरी बात तो सही है तो आपका ये मानना है कि चेहरे की अहमियत होती है हाँ। वैसे ऐसी बात नहीं आपका चेहरा बड़ा खूबसूरत है माशाल्लाह बड़े क्या हुआ पेट दर्द होने लगा और उसी क्या लेंगी आप अरे क्या बेस है यार चलो चलो नहीं नहीं सर चलो चलो अरे आप लोग लगे रहो अरे नहीं भाई इधर से रुचि आती आपका और मैंने देखा ऋषि के आने जज्बत बार है पर ऋषि के आने के बाद आपकी आंखें पूरी खुल गई कोई अनुराग दीक्षित करके हैं उन्होंने लिखा वेल कपिल शर्मा आई वॉन्ट अ पब्लिक अपॉलॉजी फॉर अब्यूजिंग मी और आई एम गोइंग टू सू यू टिल योर गिल्स ये कौन है ये कौन है इसको आपने जवाब दिया चल बे ये क्या है ये वो फायर इंस्टिंग्विशर्स है ये क्यों लिया आपने आज
वो चैनल बोल रहा था कि ये जहां भी जाती है कंगना आग लगा देती है। अरे छलांग मारना वैसे, जैसे जब पत्ते खेलती पुलिस आ जाती तो निकलती है। मैंने इसलिए बुलाया, चेतन अपनी दूसरी फिल्म बना रहे हैं, मैं कहा शायद तुझे ले ही ले, हाफ माइंड जो आप बना रहे हो। तुम ना जलते हो मुझसे, मान लो ये बात, तुम जलते हो मुझसे। और बाय द वे फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, मैं हर संडे को मॉल जाती हूँ शॉपिंग करने। मुझे पता है, ये चेंजिंग रूम में जाती है, ड्रेस पहन के ना ऐसे फोटो खींचती है, तो उसी समय अपलोड करती, गाइस आर यू लाइक माय ड्रेस? नहीं गाइस, हाउ इज माय न्यू ड्रेस? अरे सबसे पहला कमेंट भी सेल्समैन का आता है, कहता मैडम कभी खरीद भी लिया करो। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, यार समझ गई, मजा आया।